मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी कुत्ते की कहानी भाग दो। कथावाचक निधि सहगल। जब हम दोनों भाई जरा बड़े हुए तो लड़कों ने हमें खिलाना शुरू किया। मैं बहुत खूबसूरत था, मुझे एक पंडित जी का एक लड़का पकड़ लाया। मेरे भाई को एक डफाली का लड़का पकड़ ले गया। मैं पंडित जी के घर पलने लगा, मेरा भाई डफाली के घर। उसे जकिया कहते थे और मुझे कल्लू। जाड़े का मौसम था, जब सब लड़के धूप में जमा हो जाते तो हमें गोद में ले लेते और चूमते। कोई कहता हमारा बच्चा है, कोई कहता हमारा मुन्ना है। कोई लड़का एक कान पकड़कर उठाता और कहता देखो भाई चोर है या स्याह। जब तक कान दर्द ना करते मैं ना बोलता, बस सब कहने लगे फेंको फेंको चोर है। मगर जब कान दुखने लगता तो मैं चिल्ला उठता, तो सब कहते सहा सहा और हंस पड़ते। प्रायः ये खेल सैकड़ों बार होता। कोई हमारे अगले पैरों को उठाकर कहता मुरा मुन्ना दो पैर से चलता है। यूं चलाए जाने से हमारे पैर दर्द करने लगते, पर करते क्या। कभी छोटे बड़े लड़के छोटे बच्चों को मेरी पीठ पर बिठा कर कहते मेरा लल्लू हाथी पर बैठा है। भला मैं उन लड़कों का बोझ क्या उठाता। जब चिल्लाने लगता तो जान बचती। कोई कोई लड़के तो मेरे गले में रस्सी बांधकर दौड़ाते, भला मैं उनके बराबर कैसे दौड़ता। लेकिन वे अपनी धुन में मुझे घसीटते हुए ले जाते थे, इससे सारा बदन दुखने लगता था। मगर मुझ गरीब का वहाँ कौन मददगार बैठा था। कभी कभी लड़के मुझे पास वाले गड्ढे में डाल देते थे और मेरी तैराकी का तमाशा देखते। जब मैं बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगता तो लड़के हंस हंस कर कहते देखो कल्लू कैसे तैरता है। उस समय मैं डूबने डूबने को हो जाता था, पांव जोर जोर से चलाता हुआ किसी तरह किनारे आ जाता और मारे ठंड के कांपने लगता। जब धूप से देह में कुछ गर्मी आती तो कोई शैतान लड़का बोल उठता अब की मेरी बारी है। सुनते ही मेरी जान सी निकल जाती, मगर भाग कर जाता कहाँ। कोई फिर पानी में डाल देता, क्या बतलाऊँ कि उस समय कितना गुस्सा आता। बार बार यही जी में आता था कि कोई इन दुष्टों को भी इसी तरह डुबकियाँ देता तो इनकी आंखें खुलती। हम दोनों में से सुखी तो एक भी ना था, पर जकिया की दशा मेरी दशा से अच्छी थी। पंडित जी के यहाँ मुझे रूखा सूखा भोजन मिल जाता था और वो भी बहुत कम, इसलिए मुझे दूसरे द्वारों का चक्कर लगाना पड़ता था। डफाली मांस का प्रेमी था, रोज़ाना उसके घर मांस पका करता था, इसलिए जकिया को काफ़ी भोजन मिल जाता था। उसे किसी दूसरे दरवाजे पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। कुछ तो बेफिक्री और कुछ पूरी खुराक मिलने की वजह से वह दिन दिन ताकतवर और तंदुरुस्त बनने लगा। मैं कभी कभी भूख से तंग आकर डफाली के दरवाजे पर पहुंच जाता कि शायद वहां कुछ मिल जाए। सोचता आखिर जकिया भी अपना ही खून है, उससे आरजू मिन्नत करूँगा तो ज़रूर कुछ ना कुछ दे देगा, फिर उसका कोई नुकसान भी तो नहीं है। मैं उसके खाने में हिस्सा नहीं लेना चाहता था, केवल उसकी जूठन चाहता था। पर वो मेरी परछाई देखते ही गुर्राकर मुझ पर ऐसा झपटता जैसे मैं उसका दुश्मन हूँ। वो था मुझसे ताकतवर, इसलिए मैं उसका सामना ना कर सकता था। वो दांतों से मुझे खूब काटता और नीचे गिराकर पंजों से खसोटता। जब मैं ज़ोर से चिल्लाने लगता और पूंछ सिकोड़ लेता तब कहीं जान बचती थी। उठकर ज्यों ही भागना चाहता कि डफाली कह उठता पंडित का भग्गू कुत्ता, वह भागा वह भागा। इस पर मुझे बहुत ग्लानि होती थी। मैं फिर जाकर जकिया से उलझ पड़ता और इतनी मुस्तैदी देखकर देखने वाले कहते वाह कल्लू वाह शाबाश। इससे तबीयत और भड़क जाती और भी जोर लगाता।
लेकिन आखिर मुझे भागना ही पड़ता था। तब सब तालियां बजाकर मुझ पर हंसने लगते। जोश ठंडा होने पर देखता तो लहूलुहान हो गया हूँ। महीनों में जाकर कहीं घाव अच्छे होते थे। घाव अच्छा होने पर यह चाहता था कि चलकर जकिया को पछाड़ूं और पंडित जी की बदनामी मिटाऊं, मगर अपनी हालत देखकर रह जाता। एक दिन मैं जान पर खेल कर जकिया से उलझ पड़ा। वो भी पूरे जोश के साथ मुझसे लड़ने लगा। संयोग से पंडित जी भी वहीं आ पहुंचे। उनके पहुंचते ही और लोगों ने कहा, कल्लू भग्गू कुत्ता है, कभी भी जकिया का सामना नहीं कर सकता। इस पर मैंने देखा कि पंडित जी का चेहरा फीका पड़ गया है। तब तो मैंने निश्चय कर लिया कि आज चाहे जान रहे या जाए, मगर जकिया को जरूर पछाड़ूंगा। कुछ ऐसे जीवट से लड़ा और ऐसे दाव पेच खेला कि बच्चे जकिया को छठी का दूध याद आ गया। देखने वाले कहने लगे कि भाई आज तो कल्लू ने कमाल कर दिया। ठीक है, मालिक को देखकर उसकी छाती बढ़ती है। जकिया डफाली को देख देख कर ही इसे रोज पछाड़ता था, आज पंडित जी को देखकर कल्लू ने नीचा दिखाया। मैंने देखा पंडित जी का चेहरा उस समय खिल उठा था, मानो मैंने उनकी लज्जा रख ली। अब उन्होंने मेरी खुराक कुछ बढ़ा दी। उधर जकिया पर डफाली और भी तवज्जो देने लगा। एक दिन की बात है कि माता जी डफाली के दरवाजे पर पहुंच गई। उस समय जकिया वहां मौजूद ना था। डफाली ने माता जी की दीन दशा देखकर एक टुकड़ा फेंक दिया। जो ही माता जी टुकड़ा उठाने को आगे बढ़ी तो जकिया पहुंच गया और माता जी पर ही टूट पड़ा। संयोग से वहीं मैं भी पहुंच गया। फिर क्या था, जकिया से जान बचाकर माता जी मुझसे भिड़ गई। मैं तो उन पर वार नहीं करना चाहता था, लेकिन वो पूरी ताकत से मुझ पर ही वार करने लगी। उस समय मुझे बड़ी हंसी आई। पेट भी क्या चीज है, इसके लिए लोग अपने पराए को भूल जाते हैं, नहीं तो अपनी सगी माता और अपना सगा भाई क्यों दुश्मन हो जाते। ये तो हम जानवरों की बातें हैं, मनुष्यों की ईश्वर जाने। मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी कुत्ते की कहानी भाग दो। कथावाचक निधि सहगल।